अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के अवसर पर दुर्ग के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजन किया गया, जहां वरिष्ठ जनों का सम्मान दुर्ग सांसद और विधायक के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वरिष्ठ जन सम्मान समारोह का आयोजन दुर्ग के स्वामी विवेकानंद सभागार पद्मनापुर में आयोजित किया गया, जिसमें जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल प्रमुख रूप से शामिल रहे। इसके साथ ही विधायक गजेंद्र यादव ने अध्यक्षता की। इसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति दर्ज की गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ जनों के लिए विभिन्न आयोजनों के साथ स्वास्थ्य जांच, निशुल्क दवाई वितरण, नेत्र जांच का शिविर लगाया गया। इसके साथ ही वृद्धजनों के साथ समय बिताने विभिन्न खेलों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वृद्धजनों ने हिस्सा लेकर अपना खुशनुमा पल बिताया। कैसे प्रतियोगिता में सहभागी बन रहे हैं आप लोग, अभी तक का सबसे नजदीक। वृद्धजनों को समर्पित आयोजन में पहुंचे दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल और विधायक गजेंद्र यादव ने कार्यक्रम में शामिल वरिष्ठ जनों का सम्मान किया। इस दौरान दुर्ग विधायक ने उनके बीच पहुंचकर अपनापन दिखाया, तो वहीं सांसद ने शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया। इस दौरान समाज कल्याण विकास के अधिकारी अमित परिहार, सांसद विजय बघेल और शहर विधायक ने प्रतिक्रिया दी। आज 1 अक्टूबर 2024 अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दिवस के रूप में हम लोग वरिष्ठ जन सम्मान समारोह के रूप में आयोजित कर रहे हैं। शासन की मंशा है कि आज के समय में जो वरिष्ठ जनों के जो बच्चे हैं वो या तो अपनी व्यस्तता के कारण या पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण एकाकीपन क्रिएट हो जाता है इनके ज़िंदगी में, तो उस एकाकीपन को कैसे दूर करें, तो कम से कम एक दिन उनके नाम किया जाए। तो आज सुबह से ही ये कार्यक्रम चल रहा है, सुबह 9 बजे से खेल हुआ इनका, उसके बाद मंची कार्यक्रम हुआ, इसके बाद भोजन के पश्चात इनका गीत संगीत का कार्यक्रम होगा। तो पूरे दिन हमारी कोशिश ये है कि वे व्यस्त रहें, मस्त रहें और एकाकीपन को भूल के एंजॉय करें, ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। ये गरिमामयी कार्यक्रम हमारे जिले के समाज कल्याण विभाग द्वारा रखा गया है और शासकीय कार्यक्रम है। आज लगभग 1000 वृद्धजन यहाँ पे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और बड़ा अच्छा मनोरम एक माहौल है। हमारे बुजुर्गों के मन में उत्साह है, उमंग है। वैसे मैं भी उसी श्रेणी में आ गया हूँ, मेरा भी उम्र 65 साल अभी चल रहा है, इसलिए मैं भी इसी श्रेणी में आ गया हूँ। मैं अपनों के बीच में आके अपनी बातें कह के मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा। बुजुर्गों के बगैर समाज भी अधूरा है, परिवार भी अधूरा है। बुजुर्गों का अनुभव को हम एकत्रित करके आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। उस रूप में बुजुर्गों का एक संयोजन, संयुक्त एक संगठन बनाकर बुजुर्ग जन जो अपना काम कर रहे हैं, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की और दीर्घायु जीवन की, स्वस्थ जीवन की कामना भी करता हूं। आज दिन है 1 अक्टूबर को देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन को सारे हमारे वरिष्ठ जनों को सम्मान समारोह के रूप में लिया है और हमारे सदैव विष्णुदेव साय जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि सारे जिले में जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं वो ज्ञान के भंडार हैं, उनका सम्मान होना चाहिए और आज समाज कल्याण विभाग उनका सम्मान कर रही है, उसके दर में आज यहाँ आया। ये हम बुजुर्ग नहीं बोल सकते, बहुत अनुभवी लोग हैं, इनके बिना घर का भविष्य नहीं गढ़ सकते हम सब, और उनको सम्मान आज एकाकीपन हो गया, जो परिवार छोटा हो गया, सबके बच्चे नौकरी पेशा और अलग अलग कामों से दूसरे महानगरों की ओर हैं,
जो घर में एकांत वास है उनको अपन सोच रहे हैं कि जो हमारी सरकार सियान सदन जो बनाई है सियान सदन को और समृद्धशाली अपन बनाएंगे ताकि इनका सब प्रकार का संसाधन को अपन जुटा सके। मेरे को अपने दादा का ध्यान में आया चूँकि वो मेरे को बोलते थे कि हम लोग जब छोटे थे तो 10 पैसा चलता था तो बोलते थे हमारे समय आना चलता था घर के, अब हमारे बच्चों को वो पैसा समझ में नहीं आता, उनको मालूम नहीं है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो जा रही है, ये कहीं कहीं हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद से ही हम जान पाएंगे, अदरवाइज समय के साथ सब चीज़ क्षीण होते जा रहे हैं। ACN न्यूज़ के लिए दुर्गा सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।